हे फ्रेंड्स, लाइटेक जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है ना। तो इंसर्ट पे जाना पड़ेगा आपको। तो टेबल आपको पता ही होगी क्या होती है ये चीज़, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये वाली टेबल है, मैं आपको सारे ऑप्शन भी नहीं बताऊँगा, मैं जो भी बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही काम आएंगे, इससे कोई काम नहीं आने वाले। काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी ऑप्शन है जो अनइम्पॉर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे ये टेबल मैंने कर दी, अब इसको हम टेबल की स्टाइल्स दे सकते हैं, जैसे ये वाली टेबल दे सकते हैं, प्लेन टेबल दे सकते हैं, इन सब के नाम भी आएंगे लिखे हुए, जैसे प्लेन टेबल 3, ये पहले मैं, ठीक है। तो इसके आगे भी है, और भी टेबल्स हैं, जैसे ये रंग हो गया, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, ठीक है, ये कलर हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, मैंने काफ़ी बार देखा है कंपनीज यूज़ करती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती है, ये ऐसा रंग कर देती है, किसी में ऐसा हो जाता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये ऐसे कर सकते हैं आप, टेबल की जो स्टाइल है आप प्रैक्टिस करो और कर सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है। मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ पहले, ओके फ्रेंड्स। अब इसको रंग दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, ये दे सकते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये ग्रीन कलर दे सकते हैं, ठीक है, ऑरेंज दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है अपने खुद के प्रोजेक्ट के हिसाब से, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो उसके हिसाब से, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, शेडिंग की बात आती है, हम इसको शेडिंग दे सकते हैं, जैसे मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको शेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है, ये वाला कलर में आ जाए, ठीक है, ये वाला दूसरे कलर में आ जाए, तो मैं ऐसे कलर दे सकता हूँ, ये वाला तीसरे कलर में आ जाए, ये वाला दो और कलर में आ जाए, मतलब तो ऐसे अलग अलग कलर दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी जो हो रही थी चीज़ वो यही हो रही है, बस ये क्या है, इनबिल्ट है, जब एम एस वर्ड आप करोगे वो इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट नहीं है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा, अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बॉर्डर पे, हम बॉर्डर, ठीक है ना, जैसे ये है, नो बॉर्डर कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हैं, इनसाइड कर सकते हैं, डायगनल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मेरे को डायगनल ड्रॉ करना है इधर, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और ठीक है, इनसाइड वर्टिकल कर सकते हैं, इनसाइड हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर दे सकते हैं। ऑल बॉर्डर में क्या होगा, चारों तरफ बॉर्डर्स आ जाएंगे, ऑल बॉर्डर में क्या होगा, चारों तरफ ऐसे बॉर्डर आ जाएंगे, ठीक है ना। नो बॉर्डर करोगे तो सारा बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। अब टॉप बॉर्डर में, टॉप बॉर्डर रहेगा बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, ये बता रहा है आपको, यहाँ पे कोने में देखना, ये सब दिख रहा है ऊपर डार्क कलर का, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आता है बॉर्डर पेंट, बॉर्डर पेंट में ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, इसमें जैसे ये कलर चूज़ करो और इसकी वो जो मोटापन है वो ले लो, ठीक है, वो लेने के बाद जो इसका वेट है वो लेके आप ऐसे में कोई भी लाइन, जैसे नॉर्मल यही चूज़ होती है, सिंपल सी लाइन, ठीक है, आप कर सकते हो। अब मैं जैसे यहाँ पे करना चाहता हूँ, ब्लैक नहीं करता हूँ मैं, ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मोटा लेके, मैं ऐसे कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ,
तो ऐसे हम क्या बॉर्डर की स्टाइल दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू करके कर सकता हूँ मैं, ठीक है, यूँ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। मैं वापस इंसर्ट करता हूँ टेबल। ठीक है, तो हमने अब वो बॉर्डर पेंट ले लो और कोई भी आप ले सकते हो। इसका वेट है ये देखो, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। अब मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो प्रैक्टिस करना ही हो जाएगा। लेआउट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अब जैसे मैं कोई ये टेबल हटानी है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। बॉर्डर पेंट लेना है तो ये चूज़ करना, और बॉर्डर पेंट हटाना है तो वापस से ये क्लिक कर देना, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको, जैसे मेरे को ये रो डिलीट करनी है, सॉरी कॉलम डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट पे जाऊँगा, डिलीट कॉलम कर दूँगा, हो गया डिलीट। अगर मुझे कोई रो डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगा, ये पूरी रो सेलेक्ट करूँगा और डिलीट पे जाऊँगा और डिलीट रो कर दूँगा। मैं चाहता हूँ ये टेबल डिलीट कर दूँ पूरी, ठीक है, तो मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर डिलीट करूँगा टेबल, तो पूरी डिलीट होगी। इसको बैक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और डिलीट सेल कर सकते हैं हम अगर करना चाहें तो। ये हो गई, रो हो गई। तो इसमें आप जो भी चाहते हो रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, जो भी आप डिलीट करना चाहो कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ए के ऊपर एक रो आ जाए, तो ये रो आ गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ए के नीचे जस्ट रो आ जाए, तो ये आ गई, देखा हमने। मैं चाहता हूँ कि ए के पास यहाँ पे मेरे को बी नहीं, यहाँ पे एक और इंसर्ट करनी टेबल, मतलब कॉलम, तो मैं क्या कर दूँगा, इंसर्ट कॉलम कर दूँगा, ये आ गया। मैं चाहता हूँ बी के इधर भी एक हो जाए, तो एक और हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं, राइट, जितना आप चाहो उतना आप कर सकते हो। बिलो में देखा, बिलो में इतना सारा इसलिए आ गया क्योंकि मेरा सेलेक्ट किया हुआ था, नहीं तो जैसे यहाँ पे ए है तो मैं एक और कर सकता हूँ, ठीक है, रो कर सकते हैं। तो ऐसे होता है, इंसर्ट करना रो, इंसर्ट करना कॉलम, ठीक है ना। अब आते हैं इरेजर पे। इरेजर से मैं जहाँ पे भी आप टच करोगे वो इरेज हो जाएगा पूरा, ये देखो, ये देखो, जहाँ पे भी आप टच करोगे, जैसे ये है आपने टच किया, इरेज हो गया, ये हो गया इरेज, इरेज हो गया। अब जैसे मैं को बी के इधर है ना, मैं चाहता हूँ कोई वो ना रहे, अब देखा बी आ गया, अब ए के इधर ना रहे, तो देखा। तो ये इरेजर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे हो ये क्या चीज़ है, ये जो चीज़ है ये व्यू ग्रेड लाइन है, इसको मैं हटाऊंगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। ग्रेड लाइन से क्या फ़ायदा होता है, जो टेबल दिख रही थी पहले वैसे ही दिखेगी, अगर मैं इसको हटा दूँ तो पूरा ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी नहीं, खाली दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ टेबल। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ टेबल, ये आ गई। ये कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे कलर चूज़ किया हुआ था, मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो ऐसे कर सकते हैं हम, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। विद भी बड़ी आ रही है, ये फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना याद रखना। टेबल वाली ये जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो टेबल।
ठीक है। अब क्या होता है, लेआउट में आप मर्ज कर सकते हो सेल को। जैसे मैं मर्ज करना चाहता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ पूरी टेबल को। छोटी टेबल में बताऊंगा ताकि इजी वे में समझ आए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज हो जाए बी और सी वाला कॉलम, तो मैं क्या कर दूंगा, मर्ज सेल, ये बी सी ऐसा आ गया। मर्ज मतलब क्या हो जाएंगे, जो हम सेलेक्ट करते हैं जैसे ये, तो ये बीच का जो इनका जो पोर्शन होता है ये हट जाता है, ये हट गया। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये करना है मर्ज करना। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ए के बाद जो ये टेबल है ये अलग हो जाए। एक मिनट, यहाँ पे ए के बाद जो टेबल है वो अलग हो जाए। मैंने ए को सेलेक्ट कर लिया था, नीचे वाली को करना था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये टेबल ऐसे अलग करते हैं, यूज़ आता है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं आता है। बस आपको क्या करना है, अब जैसे मैं एक के बीच में एक जो ये है ये पूरी रो देना चाहता हूँ, मगर ये वाला हटाना चाहता हूँ, तो स्प्लिट टेबल। ठीक है ना, तो ये छोटा सा पॉइंट है। स्प्लिट सेल करना है तो आप कर सकते हो, जैसे मेरे को ए के अंदर सेल चाहिए, मेरे को चाहिए ए के अंदर दो कॉलम चाहिए और एक रो चाहिए। ठीक है, तो आगे ये ए के अंदर, तो ये चीज़ होती है। बी के अंदर जैसे मेरे को दो कॉलम चाहिए और दो रो चाहिए, तो ये आ गया दो कॉलम और दो रो। सी के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम हो और दो रो। ठीक है, तो एक कॉलम है और दो रो है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। आप हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, सेल चूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे कि मैं सेल चूज़ कर रहा हूँ, इसकी हाइट बढ़ाई, इसकी हाइट कम की, इसका विड्थ बढ़ाया, इसका विड्थ कम किया, तो ऐसे कर सकते हैं, ईजी है। अब मैं चाहता हूँ ये जो सी है ये बीच में है। ठीक है, डी है ये बीच में आ जाए, ये आप देख रहे हो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इसमें ऊपर आ जाए, टॉप में, ये कोने में आ जाए। ठीक है, मिड में आ जाए और बिलो आ जाए। ये बहुत काम आता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है ना, आप जब लिखोगे ना, एडजस्ट करोगे ना लिखने में, जैसे आपने कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल। ठीक, अब मैं इसको कोने में कर रहा हूँ, इसको यूँ कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ। ज़्यादातर ये वाला यूज़ होता है, सेंटर वाला एकदम सही आता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दूँ, तो ये टेढ़ा हो गया ऐसा। ठीक है, टेबल ऐसे दिखती है। ठीक है, तो ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। सेल मार्जिन कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बढ़ा दो, इसका टॉप का बढ़ा दो, बॉटम का बढ़ा दो। ठीक है, तो ये जो याद रखना, ये जो सेल आप करोगे ये सब में अप्लाई होगा, ये सिर्फ एक में अप्लाई नहीं होगा, ये होगा सब में अप्लाई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो भी है टेबल ये कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई और टेबल हट गया। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ये वैसे इतना यूज़ नहीं आता है, आगे आपके नहीं आएगा इतना यूज़, अगर आप करना चाहते हो तो करो, बाकी यूज़ नहीं आता है। ये जो फॉर्मूला है ये जब तक आपको वो MX Excel नहीं आता है तब तक कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कैसे होता है। शॉर्ट करने से पहले मैं आपको ये डिलीट कर देता हूँ टेबल। ये जैसे यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, B और C। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे और इंसर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 और मैं इंसर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। अब मेरे को इनको सही करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा और शॉर्ट में जाऊँगा,
असेंडिंग तो है ही, और ओके कर दूंगा, ये अपना भाग है 1 2 3 4। तो ऐसे टेबल की सेटिंग होती है, वो अपना आप एडजस्ट कर लेगा और सब असेंडिंग में ले लेगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, ठीक है ना, और कुछ काम नहीं है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल सी चीज़ है बस, इससे यार टेबल में और कुछ भी नहीं है। आप टेबल है जैसे ये, इसको आप प्रॉपर्टी में जाके सेंटर में ले सकते हो, सेंटर में ही है वैसे वो, ठीक है, राइट में ले सकते हो। ये ले नहीं रहा क्योंकि टेबल बहुत बड़ी है, अगर छोटी टेबल होती तो ले लेता ये। देखते हैं हम लेता नहीं लेता, राइट में लेना है, ये आ गया राइट में, सेंटर में लेना है, सेंटर में ले, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी सी है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। डिज़ाइन मैंने आपको बता ही दिया, वैसे ही प्रैक्टिस करना जो मैंने बताया, लेआउट वैसे ही प्रैक्टिस करना, इससे कुछ भी नहीं है टेबल में। बाकी मैं टेबल के नीचे एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर मैंने ना वो दिया हुआ है टेबल के कुछ एग्जाम्पल, वो आप देखना और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि टेबल का क्या होता है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। मतलब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया, वो प्रैक्टिस करना इससे या कुछ मत करना, बाकी सब आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस जरूर देखना, मैंने टेबल की कुछ एग्जांपल बताए हैं वो जरूर देखना, और यही ऑप्शन यूज़ होंगे जो मैं बता रहा हूँ, इससे कोई ऑप्शन यूज़ नहीं होता। ओके बाय।